उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने चली बड़ी चाल, सवर्णों को लुभाने के लिए 10% आरक्षण दे सकती है कांग्रेस, चुनावी घोषणा पत्र में हो सकता है शामिल। बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह के बयान के बाद गरमाई राजनीति, राजधानी लखनऊ सहित पूरे यूपी में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, दयाशंकर की गिरफ्तारी की कर रहे हैं मांग। गुजरात में दलित की पिटाई पर राजनीति का दौर शुरू, पीड़ित युवकों से मिलने ऊना पहुंचे राहुल गांधी, कई कांग्रेसी नेता रहे मौजूद। कश्मीर हिंसा पर संसद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कश्मीर के हालात के लिए पाकिस्तान को बताया जिम्मेदार। और आपके 21 विधायकों की किस्मत का बड़ा फैसला आज, चुनाव आयोग आज तय कर सकता है 21 विधायकों के भविष्य का फैसला, संसदीय सचिव बनाए जाने पर केंद्र ने उठाया था सवाल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमालयनews.com में, मैं हूं आपके साथ सोनम श्रीवास्तव। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। यूपी चुनाव में कांग्रेस ने वोट बैंक जुटाने के लिए आरक्षण का दांव खेलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण देने की योजना बनाई है। यूपी चुनाव में कांग्रेस ने वोट बैंक जुटाने के लिए आरक्षण का दांव खेलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण देने की योजना बनाई है। कांग्रेस ने सवर्णों को आरक्षण देने की बात पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किए जाने पर विचार करना शुरू कर दिया है। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी 29 जुलाई को लखनऊ जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके पहले पार्टी नेताओं की कई रैलियां राज्य के अलग अलग हिस्सों में होंगी। फिलहाल अब तक प्रियंका गांधी के यूपी दौरे को लेकर कोई सूचना सामने नहीं आई है। वहीं बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह के बीएसपी प्रमुख मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। बीएसपी प्रमुख मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले नेता दयाशंकर के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। लखनऊ पुलिस केसरबाग स्थित उनके आधिकारिक आवास पहुंची, लेकिन वह वहां नहीं मिले। उधर दयाशंकर सिंह की तलाश में बलिया पुलिस भी जुटी हुई है। गुरुवार सुबह बलिया स्थित उनके आवास में पुलिस पहुंची, लेकिन वह वहां भी नहीं मिले। दयाशंकर के खिलाफ लखनऊ में FIR दर्ज कराई गई है। दयाशंकर के बयान पर आपत्ति जताते हुए बीएसपी कार्यकर्ता बीजेपी नेता के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ के हजरतगंज में गुरुवार सुबह भारी संख्या में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और दयाशंकर के खिलाफ नारे लगाकर विरोध जताया। वहीं गुजरात में दलितों की पिटाई पर राजनीति का दौर शुरू हो गया है। वहीं राहुल गांधी आज पीड़ितों से मिलने उनके घर पहुंचे। गुजरात के ऊना में दलित नौजवानों के साथ हुई हिंसा के मामले ने सड़क से लेकर संसद तक तूल पकड़ लिया है। गुरुवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पीड़ितों से मिलने ऊना के समढ़ियाला गांव पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कुमारी शैलजा और कई कांग्रेसी नेता भी थे। बुधवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लोकसभा में इस मसले पर जवाब दिया और कहा, इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। वहीं पीएम मोदी ने विदेश से लौटते ही 12 जुलाई को उससे बात की थी और घटना की जानकारी ली थी। वह इससे बहुत आहत थे। गृह मंत्री ने कहा कि मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और कश्मीर में जारी हिंसा पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बड़ा बयान दिया। संसद में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को लोकसभा में कश्मीर के मुद्दे पर बयान देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री पूरे हालात पर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारे देश की शान है। भारत में जो भी आतंकी गतिविधियां हो रही हैं उनके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। कश्मीर में जो हालात बने हैं उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता को लेकर चुनाव आयोग गुरुवार को अहम फैसला सुना सकता है। संसदीय सचिव बनाए जाने के बाद इन विधायकों की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। चुनाव आयोग ने आपके उन 21 विधायकों को नोटिस भेजकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था जिन्हें दिल्ली सरकार ने संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था। चुनाव आयोग ने संवैधानिक प्रावधान न होने के बावजूद भी संसदीय सचिव बनाए जाने पर 21 विधायकों से जवाब मांगा था। विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने के फैसले का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में आपत्ति जताई थी। का कहना था कि दिल्ली में सिर्फ एक संसदीय सचिव हो सकता है जो मुख्यमंत्री के पास होगा। 21 विधायकों को यह पद देने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली असेंबली रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1997 में संशोधन किया था। इस विधेयक का मकसद संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद से छूट दिलवाना था, जिसे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नामंजूर कर दिया था।
इस मामले में चुनाव आयोग ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से जवाब मांगा था। गुजरात के ऊना में दलितों का मुद्दा संसद में उठा तो बवाल मच गया। विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को जमकर लताड़ा। दलितों की पिटाई के मुद्दे पर संसद में भी जमकर बवाल मचा। शून्यकाल में जैसे ही कांग्रेस सांसद सुरेश ने ये मुद्दा उठाया, संसद में माहौल गर्म हो गया, जिस पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह को बयान देना पड़ा। राजनाथ सिंह ने कहा कि दलित पर अत्याचार दुर्भाग्यपूर्ण है, दोषियों पर कार्रवाई होगी। यह किसी सरकार का नहीं बल्कि एक सामाजिक बुराई है, जिससे मिलकर लड़ना होगा। साथ ही यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में दलितों पर अत्याचार घटा है। केंद्रीय आपराधिक ब्यूरो के आंकड़े में कांग्रेस के शासनकाल में दलितों से जुड़े मामले के अधिक केस दर्ज हुए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रुद्रप्रयाग में कांग्रेस कमेटी में बैठक हुई। बैठक में किशोर उपाध्याय ने 2017 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा। कांग्रेस 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय रुद्रप्रयाग मुख्यालय में कांग्रेस कमेटी की एक बैठक ली, जिसमें कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में जी जान से जुट जाने को कहा है। किशोर उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस 2017 के चुनाव में एक बार फिर से उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के अपने लोग ही कांग्रेस को कमजोर और तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप इतिहास देखिए ना, जब भी हुआ तब चाहे आप 69 में देख लो, 77 में देख लो, 89 में देख लो या आज उत्तराखंड में देख लो, भाजपा में इतनी ताकत थोड़ी है वो कांग्रेस का मुकाबला कर सके। होते हैं कुछ जयचंद होते हैं, विभीषण होते हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं समाज को भी, प्रदेश को भी और देश को भी। उनका स्थान सही स्थान जनता में। किशोर उपाध्याय जी ने और हमारे सरकार के मुखिया हरीश रावत जी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी, वो आज मैंने यहाँ पे पूरे अपने क्षेत्र के जितने भी बूथ अध्यक्ष थे, न्याय पंचायत अध्यक्ष थे, हमारी जो ब्लॉक कार्यकारिणी है, जिला कार्यकारिणी है, उनका सम्मेलन आपके सामने है और सब जो चुनौती उन्होंने मुझे दी थी वो आपके सामने खड़ी। वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने सूबे के मुखिया हरीश रावत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं जबकि जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा। अजय भट्ट ने हरीश रावत पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सीएम रावत जो भी घोषणाएं कर रहे हैं वो सब फर्जी हैं। अजय भट्ट ने कहा है कि केंद्र ने कई बार राज्य सरकार को फंड दिए हैं, लेकिन फिर भी राज्य सरकार झूठ बोल रही है। उन्होंने हरीश रावत पर राज्य की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वे जनता को गुमराह करके बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जान चुकी है और इस बार जनता कांग्रेस को प्रदेश से उखाड़ फेंकेगी। अगर पैसा नहीं दिया केंद्र ने, क्योंकि 31 जुलाई तक आपके हर मत का पैसा केंद्र ने दिया है, अगर राष्ट्रपति शासन कंटिन्यू होता तो शेष पैसा भी 31 जुलाई तक रिलीज हो गया होता। हर मत का पैसा 31 जुलाई तक जो वोट ऑन एंड अकाउंट लिया है वो दिया है। आप क्यों यहाँ प्रदेश की जनता को, हम लोगों को दुविधा में क्यों रख रहे हैं? आपने झूठा एफिडेविट क्यों दिया? या तो आपका एफिडेविट वो झूठा था, कोर्ट को आपने गुमराह किया, या आज आप झूठ बोल रहे हो, दोनों चीजों के लिए। पिथौरागढ़ में अवैध खनन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और बीजेपी पर अवैध खनन में शामिल होने का आरोप लगाया और उनका पुतला फूंका। अवैध खनन को लेकर पिथौरागढ़ में राजनीति गर्माने लगी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी राज्य में हो रहे अवैध खनन में शामिल है। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही बीजेपी का पुतला फूंका। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर गलत बयानबाजी का आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता के खिलाफ गलत प्रचार कर कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। खनन को लेकर बहुत गलत बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि भाजपा का इतिहास पूरा खनन का इतिहास रहा है। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि अगर उनकी जो अफवाह है, गलत बयानबाजी है, जारी रहेगी तो कांग्रेस इसके खिलाफ और उग्र आंदोलन करेगी, जिसके लिए पूरी तरीके से भाजपा जिम्मेदार रहेगी। बागेश्वर में जिला प्रशासन की नाक के नीचे से नदी में मिट्टी डाली जा रही है, जिससे नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। बागेश्वर के बिलौना के पास नदी में मिट्टी डालने का काम अवैध रूप से चल रहा है, लेकिन प्रशासन को इसकी सुध तक नहीं है। बिना किसी रोक टोक के ट्रकों से नदी में मिट्टी डाली जा रही है, जिससे नदी पर तो खतरा मंडरा ही रहा है, साथ ही सड़कों पर मिट्टी गिरने से वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को भी काफी परेशानी होती है। वहीं इससे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है।
इस मामले पर जिलाधिकारी का कहना है कि जो भी इस तरह से नदी में डंपिंग कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नुकसानदायक हो रहा है, ये लोग खनन करके अपने वहाँ से लेके आ रहे हैं और जहाँ तहाँ इनकी मर्जी जहाँ आ रही वहाँ पर ये नदी के किनारे में मिट्टी को डाल दे रहे हैं, जिससे कि हम लोगों को तो काफ़ी नुकसान हो ही रहा है, साथ साथ ही नदी भी प्रदूषित हो रही है। बाकी प्राइवेट साइट से अगर कोई इस तरह करता है, जो सूचना हमारे पास आती है तो उस पर हम कार्रवाई करते हैं। जैसे अभी कोई सूचना मिली है उस पर हम कार्रवाई करा रहे हैं। जिस विभाग की सड़क है वो तो कार्रवाई करेंगे, साथ में जो नदी में पॉल्यूशन है उस संबंधित में उसका परीक्षण भी कराते हैं, उसके तहत भी कार्रवाई की जाएगी। रामनगर के पीरुमदार में लूट के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से दो तमंचे और कुछ जेवर बरामद किए गए हैं। कुछ महीने पहले पीरुमदार में लूट के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को धर दबोचा है। इनके पास से लूट में इस्तेमाल किए गए दो तमंचे और कुछ जेवर बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन दो लोग भागने में कामयाब हो गए थे जिनकी तलाश पुलिस कर रही थी। पुलिस ने बताया कि ये लोग अपने शौक पूरा करने के लिए इस तरह की लूट को अंजाम देते थे। आज जो रिमेनिंग दो लोग हैं जो पीरुमदारा की दूसरी लूट में भी शामिल थे, उनको आज अरेस्ट किया गया है और उनके कब्जे से तमंचे और एक चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। अभी ज्वेलरी और कैश की बरामदगी के लिए उनसे पूछताछ की जा रही है। तो फिलहाल मेरे साथ हिमालयन्यूज.com पर इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिमालयन्यूज.com।